फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम कर रहे हैं प्लस वन की अकाउंट्स, जिसमें हमारा चैप्टर फर्स्ट और चैप्टर टू कंप्लीट हो चुका है। और जैसे चैप्टर कंप्लीट होता है, देन हम उनके जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, और उसके बाद फिर जो है इस वीडियो में हम डिस्कस कर लेंगे। फिर हम नेक्स्ट चैप्टर थर्ड चैप्टर जो है स्टार्ट करेंगे। और अकाउंट्स की जो है प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो स्टार्ट करते हैं सबसे फर्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको डेटर और क्रेडिटर का मीनिंग क्लियर होना चाहिए। डेटर क्या होते हैं और क्रेडिटर क्या होते हैं, तो पहले हम बात करते हैं क्रेडिटर की। क्रेडिटर कौन होते हैं? जिनका पैसा हमने लिया होता है उधार पे, कि हम आपको बाद में पे कर देंगे, अभी जो है आप हमें ये पैसा दे दो, हमें इसकी रिक्वायरमेंट है, ज़रूरत है, या फिर हमने जो है किसी भी तरह से अगर हमने जो है परचेज किया है कुछ, तो हमने बोल दिया कि हम बाद में आपको पे कर देंगे, अभी आप हमें ऐसे ही गुड्स दे दो, तो वो हमारे क्या बन जाएंगे? क्रेडिटर बन जाएंगे। अब बात करते हैं डेटर की। डेटर वो होते हैं जिन्होंने हमसे उधार पे लिया होता है, यानी हम जो है सेल कर रहे थे गुड्स, और जो है जो भी बायर था वो कहता है कि जी हमें, मेरे पास अभी पैसे नहीं हैं, आप हमें उधार पे दे दो, पैसे हम आपको बाद में दे देंगे, तो वो हमारे क्या बन जाएंगे? डेटर। सो यहाँ से दो चीज़ क्लियर कर लो, क्रेडिटर कौन होते हैं? क्रेडिटर वो होते हैं जिनको पैसा हमें देना होता है, और डेटर जिनसे पैसा हमें लेना होता है। तो अब क्वेश्चन में क्या पूछा है कि वो पर्सन जिसने फर्म का पैसा लिया हो, तो जिसने फर्म का पैसा लिया हो तो वो कौन होगा? डेटर होगा। तो बी ऑप्शन इसका जो है करेक्ट आंसर होगा। अब इस क्वेश्चन में पूछा था कि जिस पर्सन ने फर्म का पैसा लिया हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है जिस पर्सन का पैसा फर्म ने लिया हो, यानी हमने अगर किसी का पैसा लिया तो वो हमारा क्या बन जाएगा? क्रेडिटर बन जाएगा। तो इसका जो है ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परचेज रेफर्स टू द परचेज ऑफ गुड्स फॉर रीसेल, स्टेशनरी फॉर ऑफिस यूज, एसेट्स फॉर द फैक्ट्री। तो इसमें से हम परचेजेस किसको बोलेंगे? अगर आपने जो इस चैप्टर की वीडियो है जिसमें मैंने सारी टर्म्स आपको बिल्कुल अच्छे से कराई है, तो पहले आप वो देख लेना, तभी आपको जो है सारे क्वेश्चन क्लियर होंगे, आप खुद ही फटाफट आंसर दोगे। सो परचेज हम किसको बोलते हैं? जिस भी चीज़ का हम बिजनेस कर रहे थे, अगर हम मशीनरी का बिजनेस कर रहे हैं तो मशीनरी के तब हम परचेज करेंगे, तो वहाँ पे हम परचेजेस वर्ड यूज़ करेंगे, वहाँ पे उसके लिए हम गुड्स वर्ड यूज़ करेंगे। और जो गुड्स हम परचेज करते हैं रीसेल पर्पज़ के लिए, या जो गुड्स हम बनाते हैं रीसेल पर्पज़ के लिए, वो उसमें हमारी जो है परचेज की टर्म आ जाती है। तो ए ऑप्शन यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा। अगर हम ऑफिस यूज़ के लिए कुछ ले रहे हैं, या फिर अपनी फैक्ट्री के लिए कोई एसेट्स ले रहे हैं, तो वो हम जो है वहाँ पे हम परचेज वर्ड यूज़ नहीं करते। देन हमारा लायबिलिटी अराइजेस बिकॉज ऑफ। अब लायबिलिटी मतलब मैंने क्या बताया था कि एक जिम्मेवारी, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि अगर आपने किसी से कुछ लिया है या किसी ने आपका कुछ किया, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको वापस भी देना है। ठीक है, अगर कैश ट्रांजेक्शन हुई है तो ठीक है, आपने गुड्स दे दी और उसने कैश दे दिया, बात खत्म। बट अगर आपने क्रेडिट पे कुछ लिया है, यानी उधार पे कुछ लिया है, कुछ दिया है, तभी तो जो आपकी लायबिलिटी अराइज होगी। तो लायबिलिटी कब अराइज होती है? तब हम उधार पे कोई भी ट्रांजेक्शन जो है वो उधार में होती है, राइट। देन हमारा कैश एज वेल एज क्रेडिट, ये नहीं होगा क्योंकि इसमें कैश का अभी आ गया, तो कैश में तो जो है लायबिलिटी अराइज नहीं होती, सिर्फ क्रेडिट ट्रांजेक्शन में जो है लायबिलिटी अराइज होती है। नेक्स्ट हमारा द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द प्रोप्राइटर इन अ बिजनेस इज कॉल्ड। अब जो प्रोप्राइटर है, जो ओनर है, जो अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करता है, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं कैपिटल। जो भी वो इन्वेस्टमेंट करता है कि इतने लाख की उसने इन्वेस्टमेंट किया, उसको हम बोलते हैं कि इतनी हमारी क्या है, ये कैपिटल है, ना हम उसको कैश बोलते, ना हम उसको रेवेन्यू बोलते। देन है बैंक ओवरड्राफ्ट। क्या है? शॉर्ट टर्म लायबिलिटी है, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी है, फिर कंटेजेंट लायबिलिटी है। बैंक ओवरड्राफ्ट हमारी होती है शॉर्ट टर्म लायबिलिटी। शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, कंटेजेंट लायबिलिटी क्या होती है, हम ऑलरेडी जो है लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। देन हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बिजनेस ट्रांजेक्शन। अब इसमें से आपने बतानी है कि कौन सी बिजनेस ट्रांजेक्शन नहीं है। बिजनेस ने जो है फर्नीचर परचेज किया 2500 का, तो ऑब्वियसली बात, अगर हम बिजनेस के लिए कुछ चीज़ परचेज करेंगे तो वो क्या होगी? हमारी बिजनेस ट्रांजेक्शन होगी। देन अगर हमने अपने इम्प्लॉयज़ को सैलरी पे की है 20,000, वो भी हमारी जो है बिजनेस ट्रांजेक्शन होगी। देन हमने जो है कैश विड्रॉ किया हमारे पर्सनल बैंक अकाउंट से, और वो भी डोमेस्टिक यूज़ के लिए, तो यहाँ पे हमारे बिजनेस से कोई लेना देना नहीं है, ना हमारे जो है बिजनेस के बैंक अकाउंट से कोई लेना देना है। तो सी ऑप्शन जो है हमारा राइट होगा।
देन हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फिक्स्ड एसेट्स. अब इसमें से आपने बताना कि फिक्स्ड एसेट कौन सा है. बिल्डिंग फिक्स्ड एसेट होती है, प्लांट एंड मशीनरी, क्योंकि ये हम ऐसे तो नहीं है कि जो परचेज कर रहे हैं तो फिर जो है हम इनको सेल के पर्पज से कि इसी साल जो हम इनको बेच देंगे. फिक्स्ड एसेट वो होते हैं जो हम परचेज करते हैं रीसेल पर्पज़ के लिए नहीं करते, अपने यूज़ के लिए कि हमने जो है इनसे काम करना है और जो हमें फ्यूचर में बेनिफिट देते हैं, तो वो हमारे होते हैं फिक्स्ड एसेट. बिल्डिंग है, बिल्डिंग हमारे काम आएगी. प्लांट एंड मशीनरी हमने परचेस किया, वो हमारे काम आएगा, तब हमारी प्रोडक्शन वगैरह हम करेंगे, तो वो हमने रीसेल पर्पज़ के लिए नहीं ली, वो हमने जो है अपना लंबे टाइम के लिए ली है कि हम इससे काम करेंगे ताकि ये हमें फ्यूचर में जो है बेनिफिट प्रोवाइड करे. देन हमारा बैलेंस विद बैंक, ये हमारा जो है फिक्स्ड एसेट नहीं होता, ये हमारा करंट एसेट होता है. देन हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए लॉन्ग टर्म लायबिलिटी. अब इसमें से आपने बताना है कि लॉन्ग टर्म लायबिलिटी कौन सी नहीं है. क्रेडिटर्स, टर्म लोन, डिबेंचर्स. डिबेंचर भी हमारी लॉन्ग टर्म लायबिलिटी है, टर्म लोन भी हमारी जो है लॉन्ग टर्म लायबिलिटी है, जो हमारे क्रेडिटर्स हैं ये हमारी जो है लॉन्ग टर्म लायबिलिटी नहीं होते. सो ए ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट आंसर होगा. नेक्स्ट हमारा है गुड्स टेकन बाय द ओनर फॉर पर्सनल यूज आर कॉल्ड. अब ओनर ने अपने बिजनेस से कोई गुड्स उठाई है पर्सनल यूज़ के लिए, तब हम पर्सनल यूज़ के लिए कोई चीज़ लेते हैं अपने बिजनेस से तो उसको हम बोलते हैं ड्रॉइंग्स. याद रखना ये टर्म, ना हम उसको क्रेडिटर बोलते ना उसको हम डेटर बोलते, उसको हम क्या बोलते हैं, ड्रॉइंग्स बोलते हैं. तो इसका जो सी ऑप्शन है ये हमारा करेक्ट आंसर है. तो ये 10 MCQ थे जो हमारे चैप्टर 2 से रिलेटेड थे. अब जो है नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर 3 स्टार्ट करेंगे. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर कॉमर्स लेक्चर्स एंड motivational videos and exam update. Bye bye, take care, have a good day.